हेलो फ्रेंड्स, मैं मोतो आयरस स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो और मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आ चुका हूं फ्रेंड। और गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब सिर्फ दो दिन बचा है आप लोग का सीजन 16 को इंड होने में। और गाइस, अब ये परफेक्ट टाइमिंग है जहां पे गाइस आप लोग को पता चल जाना चाहिए कि आप लोग गाइस यहां पे करंट सीजन में जो भी टियर है और गाइस आप लोग का नेक्स्ट सीजन में कौन से टियर में जाकर गिरोगे। तो गाइस फाइनली वो वीडियो लेकर आ चुका हूं जहां पे गाइस मैं आप लोग को कंप्लीट यहां पे टियर ड्रॉप के बारे में बताऊंगा। और साथ में गाइस, मान लीजिए आप लोग को कोई भी यहां पे डाउट होगा सीजन 17 का ऑफिशियल टाइमिंग को लेकर, तो गाइस मैंने ऑलरेडी एक कंप्लीट वीडियो बना दिया जहां पे गाइस मैंने टाइमिंग के हिसाब से कंप्लीट उसमें बताया। तो गाइस उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चाहो तो गाइस वो भी वीडियो आप लोग जाकर देख लेना। बाकी गाइस यहां पे देख सकते हो रॉयल पास आप लोगों को कल सुबह मतलब 18 तारीख को 5:30 बजे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से गाइस ये लॉक हो जाएगा। तो गाइस इससे पहले जिनको भी 100 RP करना होगा तो गाइज कर लेना, या फिर गाइज यहाँ पे जो आप लोग का RP पॉइंट एक्स्ट्रा रहता है उसको भी आप लोग रिडीम कर लेना। और गाइज मान लीजिए किसी को भी UC का प्रॉब्लम हो तो चाहो तो गाइज मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम में। बाकी गाइज चलो अब आप लोग को यहाँ पे टीयर ड्रॉप के बारे में कंप्लीट यहाँ पे बता देता हूँ। तो गाइज स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो ब्रॉन्ज 5 से लेकर ब्रॉन्ज 1 तक देख सकते हो गाइज यहाँ पे कोई भी आप लोग का टीयर ड्रॉप नहीं होगा, यानी गाइज बिल्कुल आप लोग सेम टीयर में जाकर गिरोगे नेक्स्ट सीजन में। उसी तरह गाइस यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग का आता है सिल्वर, और गाइस यहाँ पे देख सकते हो सिल्वर 5 से लेकर सिल्वर 1 के बीच में आप लोग जो भी यहाँ पे टियर में रहोगे सीजन 16 में, नेक्स्ट सीजन में भी गाइस वही टियर में आप लोग रहोगे, यानी गाइस यहाँ पे कोई भी टियर ड्रॉप नहीं होगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट आप लोग का गोल्ड 5 से लेकर गोल्ड 2 तक, और गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप लोग का नेक्स्ट सीजन में गोल्ड 5 में जाकर गिरोगे, यानी कि गाइस अगर आप लोग गोल्ड 5 से लेकर गोल्ड 2 में इस सीजन हो तो गोल्ड 5 में आप लोग नेक्स्ट सीजन में जाकर गिरोगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो गोल्ड 1 प्लेटिनम 5 या फिर गाइस प्लेटिनम 4 में आप लोग सीजन 16 में हो तो देख सकते हो गाइस सीजन 17 में आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे गोल्ड 4 पर जाकर गिरोगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग का टियर आता है प्लेटिनम 3, और गाइस यहाँ पे देख सकते हो प्लेटिनम 3 या फिर प्लेटिनम 2 या फिर गाइस प्लेटिनम 1 पर आप लोग मान लीजिए सीजन 16 पर हो तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो सीजन 17 में आप लोग जाकर गिरोगे गोल्ड यहाँ पे 3 में, यानी कि गाइस गोल्ड 3 में आप लोग नेक्स्ट मतलब सीजन स्टार्ट करोगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग का टियर आता है यहाँ पे आप लोग का डायमंड, और गाइस यहाँ पे देख सकते हो डायमंड 5 हो गया या फिर गाइस डायमंड 4 हो गया या फिर गाइस डायमंड 3। अगर मान लीजिए आप लोग ये 3 अगर मान लीजिए यहाँ पे टियर पे हो सीजन 16 में तो देख सकते हो गाइस आप लोग नेक्स्ट सीजन में यहाँ पे गोल्ड 2 पर जाकर गिरोगे, यानी कि सीजन 17 आप लोग स्टार्ट करोगे गोल्ड 2 से। उसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट आप लोग का यहाँ पे डायमंड 2 और डायमंड 1, यानी कि गाइस अगर मान लीजिए आप लोग सीजन 16 में डायमंड 2 या फिर डायमंड 1 में हो तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट सीजन में आप लोग जाकर गिरोगे गोल्ड 1 पे, यानी कि गाइस डायरेक्ट सीजन 17 आप लोग का स्टार्ट होगा गोल्ड 1 से। उसके बाद गाइस यहाँ पे डायमंड के बाद आप लोग का स्टार्ट होता है क्राउन, और देख सकते हो गाइस यहाँ पे मैक्सिमम मेरे को लगता है गाइस कि क्राउन लगभग लोग यहाँ पे पहुंच ही जाते हैं। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे क्राउन 5 या फिर गाइस यहाँ पे क्राउन 4 में आप लोग सीजन 16 में रहते हो तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे आप लोग प्लेटिनम 5 से स्टार्ट करोगे सीजन 17 को। उसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट आप लोग का क्राउन 3 और क्राउन 2, यानी कि गाइस अगर मान लीजिए आप लोग सीजन 16 में यहाँ पे क्राउन 3 या क्राउन 2 में एंड करते हो तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे आप लोग का सीजन 17 स्टार्ट होगा प्लेटिनम 4 से, यानी कि सीजन 17 में आप लोग प्लेटिनम 4 रैंक से यहाँ पे स्टार्ट करोगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे नेक्स्ट है आप लोग का क्राउन 1, और देख सकते हो गाइस यहाँ पे सिर्फ क्राउन 1 के लिए स्पेशली आप लोग का टियर ड्रॉप होगा जो कि गाइस यहाँ पे प्लेटिनम 3, यानी कि सीजन 17 आप लोग स्टार्ट करोगे प्लेटिनम 3 से। तो कि गाइस इसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम लोग का कंफ्यूजन होता है, तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे अगर मान लीजिए आप लोग एस से ऊपर हो यानी कि एस टियर से ऊपर हो और गाइस यहाँ पे एस स्टार 6 यानी कि गाइस 4800 जो रेटिंग रहता है उसके नीचे में अगर आप लोग रहते हो तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे आप लोग का प्लेटिनम 2 पर जाकर गिरोगे, यानी कि गाइस मतलब यहाँ पे 4200 से लेकर 4800 के बीच में रहोगे तो गाइस यहाँ पे आप लोग प्लेटिनम 2 पर जाकर गिरोगे। और गाइस उसके ऊपर यानी कि गाइस अगर मान लीजिए आप लोग यहाँ पे एस स्टार 6 रेटिंग से ऊपर रहोगे या फिर गाइस कॉन्करर यहाँ पे आप लोग पहुंचे रहोगे तो देख सकते हो गाइस इस बार आप लोग को यहाँ पे प्लेटिनम 1 पर जाकर गिरोगे, यानी कि सीजन 17 आप लोग का स्टार्ट होगा यहाँ पे प्लेटिनम 1। और गाइस बता दूं कि यहाँ पे आप लोग का हाईएस्ट टियर है प्लेटिनम 1, यानी गाइस कोई भी अगर मान लीजिए यहाँ पे कॉन्करर में भी रहेगा तब भी गाइस यहाँ पे आप लोग प्लेटिनम 1 से ऊपर नहीं जा सकते हो स्टार्टिंग में।
तो यस गाइस बेसिकली यही था कंप्लीट। मैंने गाइस यहां पे आप लोग को टियर ड्रॉप बता दिया, बाकी गाइस आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग सीजन 17 में कौन से टियर तक पहुंच पाए और गाइस नेक्स्ट सीजन में आप लोग कौन से टियर पर जाकर गिरोगे। तो यस गाइस बेसिकली यही था, बाकी मैं मिलता हूं सभी से नेक्स्ट वीडियो में इकोनेटिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।